हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको मंचूरियन बनाना सिखाऊंगी, तो देखिए कैसे मंचूरियन बनती है। देखिए मंचूरियन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने ये बंदा गोभी काट के पहले से रखी है, बंदा गोभी है, और ये गाजर घसा हुआ है। बंदा गोभी को मैंने भी क्रश कर लिया है, गाजर को भी घस कर ले ली हूँ, और ये फूलगोभी है, उसे ही मैंने कद्दूकस कर लिया हूँ, और ये ग्रेवी बनाने के लिए प्याज है कटा हुआ, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, और ये लहसुन है, और ये अदरक है, और उसमें डालने के लिए ये मैंने बाज़ार से मंचूरियन मसाला डालूँगी उसमें। तो देखिए कैसे बनता है, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए मैंने इसे एक बॉल में निकाल ली हूँ, फिर सभी को इसमें डाल दूँगी, और मैदा, जीरा, थोड़ा गुलकी पाउडर क्योंकि मैंने पहले भी डाल चुकी हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा अदरक पेस्ट, लहसुन और अदरक घसा हुआ, मैं इसे सारे को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और बढ़िया इसका बना लूंगी मिक्स करके। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, अब इसे मैं मंचूरियन बॉल बना लूंगी। तो इस तरह से बॉल में मंचूरियन के सारे बना लूंगी। सारे बॉल इस तरह से बना लूँगी, गर्म रख करके रखी है, अभी हीट हो चुकी है। अब मैं ये मंचूरियन बॉल इसमें सारे डालूँगी और फ्राई कर लूँगी, एक एक करके सारे में इसमें डाल दूँगी। पहले इसे हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, फिर इसे थोड़ा फ्राई करने के बाद मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसे उसे धीरे 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 इसे पलटूंगी और फ्राई करूंगी। इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे मैं निकाल लूंगी और फिर तेल को गर्म करूंगी, उसके बाद फिर सारे बॉल को डालूंगी, तब इससे क्रिस्पी ज़्यादा बनेगी। आप समझिए इसे मैं हिट कर ली हूँ, अब मैं फिर से सारे बॉल को डालूंगी। सारे बॉल को डाल दूंगी और फिर तेज आँच में फ्राई कर दूंगी। अब ये देखिए गोल्डन ब्राउन बढ़िया हो गया है, अभी से मैं सारे निकालूंगी। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और इसमें मैं ऑयल डालूंगी और ऑयल भून दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डालूंगी, अदरक डालूंगी,
और शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, और मैं इसे इसे मिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी। देखिए ये हल्का फ्राई हो चुकी है, इसे हल्का ही करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें सॉस डालूंगी, ये रहा टमाटर सॉस। मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, ज़्यादा तीखा खा ठीक हो, और थोड़ा सा दो बुन थोड़ा सॉस डालना है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी, कर दूसरे। अब देखिए इसे मैं कॉर्नफ्लोर को भून के पहले से रख दी थी, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। हल्का इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। अब ये ग्रेवी देखिए तैयार हो गई है और कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें मंचूरियन मसाला डालूंगी, मैंने इसमें मंचूरियन मसाला डाल दी, इसे मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं सारे बॉल डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर दूंगी इस तरह से मिला दूंगी। अब ये देखिए मंचूरियन तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, अब इसे मैं टेस्ट करूंगी कैसा बना।